हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए अब कुछ नए टॉपिक देखते हैं करंट अफेयर्स में। नासा का न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम, यह अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों की एक श्रृंखला है। यह सौर मंडल के विभिन्न पिंडों की खोज करेगा। अभी तक 4 मिशन हुए हैं इसके, जिसमें से नया मिशन ड्रैगन फ्लाई है। अन्य 3 मिशन कौन से, ये देख लेते हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि न्यू होराइजन्स मिशन किस लिए है, या फिर जूनो मिशन कब आया, या फिर किस ग्रह के लिए, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। आइए पढ़ते हैं। न्यू होराइजन्स मिशन, ये कुइपर बेल्ट के लिए है। ये 2006 में आया था। वहीं जूनो मिशन बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करेगा, 2011 में हुआ ये। ओसिरिस रेक्स 2016 में हुआ ये मिशन, क्षुद्रग्रह वेनु का अध्ययन करने के लिए। वहीं अभी 2019 में ड्रैगन फ्लाई मिशन हुआ, ये शनि का उपग्रह जो टाइटन है उसके अध्ययन के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन हुआ। यह 2034 तक पहुंचेगा, ये वाला मिशन ड्रैगन फ्लाई है। ये 2034 तक कहाँ पहुंचेगा, टाइटन पे पहुंचेगा, शनि के उपग्रह टाइटन पर। आगे देखते हैं स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। 25 जून 2019 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी और नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुई। यह दूसरी रिपोर्ट है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की। पहली रिपोर्ट 2018 में आई थी। यह 23 संकेतों पर आधारित रिपोर्ट है। अब इसको रैंक प्रदान करने के लिए इसके 2 प्रकार हैं, एक तो वृद्धिमान और समग्र। वहीं राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित। वृद्धिमान प्रदर्शन के 4 समूह हैं, जैसे कोई सुधार नहीं उसको 0 अंक दिया गया है, न्यूनतम सुधार को 0 से 1 या फिर 2 अंक, मामूली जिसका सुधार हुआ है उसको 2 से 4 अंक मिले, और सबसे ज़्यादा जिसमें सुधार हुआ 4 से अधिक अंक उसको दिए गए हैं। वहीं समग्र को भी 3 भागों में बांटा गया है, फ्रंट रनर, अचीवर्स, एस्पायरेंट्स। ठीक है, तो बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन में और वृद्धिशील प्रदर्शन में कौन सा राज्य प्रथम आया है, द्वितीय आया है, तृतीय आया है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन में क्या है, कौन सा राज्य है, केरल, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। वहीं वृद्धिशील में सबसे पहले हरियाणा का नंबर है, फिर राजस्थान और फिर झारखंड। केंद्र शासित राज्यों में सबसे पहले समग्र में कौन है, चंडीगढ़ और दादरा एवं नागर हवेली। और दूसरा वृद्धिशील में कौन सा है, दादरा नागर हवेली और दूसरा चंडीगढ़। वहीं अगला टॉपिक देखते हैं हम, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है, 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता पर इस मिशन की घोषणा हुई थी। 2024 तक ग्रामीण घरों में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाना इस मिशन का उद्देश्य है। 24 तारीख से लेकर 28 सितंबर 2019 तक भारत जल सप्ताह मनाया गया था। इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है भारत जल सप्ताह कब मनाया गया था, तो कब मनाया गया था, 24 से 28 सितंबर 2019 में। ठीक है, इस मिशन के अन्य उद्देश्य क्या हैं, जैसे वर्षा जल का भंडारण करना, सूक्ष्म सिंचाई करना, जल संरक्षण अभियान, आमजन को जागरूक करना, मतलब आम जनता को जल के प्रति जागरूक करना, बच्चों को जल के महत्व की शिक्षा देना, ये सारे जल जीवन मिशन के उद्देश्य हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक,